स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले आईसीआर 2022 एंड आईसीआर 2021 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के ये डाउट होगा कि 2021 की क्या अपडेट है, तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करके आपको बता देंगे। और 2022 के आपके एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से दिनों से मेरा इस चैनल पर आईसीआर के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है वो आपको नहीं दी थी, क्योंकि कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। फेक वीडियो बनाने में आपको मेरा कोई भी बेनिफिट या आपका टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बता देते हैं, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि फोर्थ ईयर का ये कोर्स होता है, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट जैसे कि डिग्री कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को जैसे कि लास्ट ईयर मेरे साथ जुड़ चुके थे, ठीक है, उनको अच्छी कॉलेज में हमने एडमिशन दिलवाया, अच्छे काउंसलिंग प्रोसेस करके उनका पूरा जैसे कि जितना अच्छा कॉलेज उनको मिल सकता था उतना कोर्स मिल पाया। जिनको सीट मिलने के चांसेस कम थे उनको भी सीट लास्ट तक, जैसे कि कुछ कॉलेजेस होते हैं वो कॉलेज काउंसलिंग करवाते, तो वहां तक आपको जो है एक अच्छे कोर्स के साथ उनको कॉलेज दिलवाने की कोशिश की, तो बहुत से स्टूडेंट को बेनिफिट भी हुआ। अब इस साल जो है एक अच्छे से आपको जिन स्टूडेंट को नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, तो आईसीआर में कहीं ना कहीं आप अपना जो है करियर अच्छा बना सकते हो। तो किस सब्जेक्ट में या किस कोर्स में, जैसे कि आईसीआर में आपको पता होगा कि अलग अलग जो है ब्रांचेस होते हैं, डिपार्टमेंट होता है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, जैसे बीटेक की बात करें तो बहुत से कोर्सेज उसमें होते हैं, तो किन कोर्स में कितना स्कोप है, ठीक है, कितना आपका करियर अच्छा बन सकता है, वो सारा आपको जैसे टाइम मिलेगा आपको जो है डिस्कस कर लिया जाएगा, जिससे आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं खुद एक आईसीआर स्टूडेंट हूँ जिसे डिग्री कंप्लीट होने जा रहा है, तो फेक वीडियो बनाने में हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता। अब इसलिए अभी थोड़ी देर में हम मेहनत कर रहे हैं कि आपका एक न्यू बुक है वो लगभग काम पूरा हो चुका है, उसमें हर चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उसके बाद में आपको जो लास्ट ईयर के पेपर है, जितने भी 5 साल आईसीआर के जितने भी पेपर है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप अच्छा स्कोर, जो मिनिमम प्राइस में आपको जो है वो बुक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छी कॉलेज में, ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में हूँ जिसकी आईसीआर रैंक 35 है, तो उसी तरह से आप लाइक जीबी पंत, बीएचयू जैसे अच्छी कॉलेजेस में जो जिसकी रैंक बहुत हाई है, ठीक है, आईसीआर की रैंक की बात करें तो बहुत हाई है, उन कॉलेज में आप एडमिशन ले सको और अपना बेस्ट करियर ऑप्शन कर सको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो सबसे पहले हम 2021 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट लास्ट ईयर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए थे उनको कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो चुका था, ठीक है, अब वो 10,000 रुपये पे किए थे, तो उनका जितना भी पेमेंट है वो सीट विड्रॉ करने के जो रिफंड की बात की थी आईसीआर के द्वारा, तो वो आईसीआर का जो रिफंड है वो आपके द्वारा आपके बैंक में वापस ट्रांसफर किया जा रहा है। आप बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डियर इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके ईमेल पर शेयर कर दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट ने जहाँ से अपना जो 10,000 रुपये पे करवाए थे, चाहे आपकी मित्र या साइफर कैफे से, जिनके बैंक से वो 10,000 रुपये पे हुए हैं उनके बैंक में वो रिफंड कर दिया जाएगा जितना भी टैक्स काट गया, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा, किसी के पास यदि इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो आपको वेट करना होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आने वाले 15 दिनों में आपके पास जितना भी रिफंड है वो शेयर वापस से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2021 की अपडेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं 2022 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट को जो आईसीआर के एग्जाम इस साल देने वाले हैं, ठीक है, तो उनको आगे की प्रोसेस हम बता देंगे, करियर भी कैसे है, क्या क्या आप कहाँ पे अच्छा स्कोर करके कहाँ पे आप जो है अपना बेस्ट करियर बना सकते हो, क्या क्या आप इसमें जॉब कर सकते हो, वो आपको आगे की आने वाली वीडियोज में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चैनल को डी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट है आपके पास रहे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपके पास करियर ऑप्शन में किस किस ब्रांच के लिए आपको कितना कट ऑफ है, कितना मार्क्स है या कितनी रैंक है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट ईयर आपके परसेंटेज के फॉर्म में आपका रिजल्ट वो जारी हुआ था, ठीक है, इस साल भी आपका वही प्रोसेस कंप्लीट होगा क्योंकि एनटी के द्वारा ये एग्जाम्स करवाया जा रहा है। तो अभी तक कोई इसकी ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करें, अगर आपने वीडियोस भी बहुत देखी होगी, एक एक्सपेक्टेड डेट आपको दिया जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उस अप्रोक्स आपका जो है रिजल्ट है या एप्लीकेशन फॉर्म है या आपका एग्जाम्स है वो रिलीज करवाया जाता है, क्योंकि एक आइडिया आपको लग जाता है। तो ऑफिशियल अपडेट अभी तक कोई भी नहीं है एनटी के द्वारा, अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आप देखने चाहोगे ऑफिशियल चैनल पे तो ऑफिशियल साइट पे तो आपको कोई भी अपडेट वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो अब डाउट ये है कि कब तक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज होगा, कब तक आपका एग्जाम्स होगा, तो इसकी हम एक प्रॉपर चैनल में आप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जैसे कि आपको पता है कि नीट के बाद में या तो आपका जो फॉर्म जो आपका जो एग्जाम्स होता है, क्योंकि इस एग्जाम में जो पार्टिसिपेट स्टूडेंट करने वाले हैं वो पीसीबी, पीसीएम एंड एबीसी, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, मैथ के स्टूडेंट एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो अप्रोक्स आपका या तो नीट
नीट के बाद में आपका एग्जाम्स होगा या नीट के पहले। तो अभी इस बार नीट के पहले होने के कोई चांसेस नहीं, क्योंकि इसके इस जो नीट जब 17 जुलाई को होने वाला है तो इसके बीच बहुत से एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे सीयूईटी के मान लो, जैसे एम्स की, नर्सिंग की, जो बहुत से एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स भी इसके बीच में घुसा हुआ है, ठीक है। तो अभी इनके कोई चांसेस नहीं है, आपका एग्जाम जो होने वाला है वो नीट के आपके आफ्टर नीट के बाद में होने वाला है, ठीक है। तो कब आपका जो नीट का नीट के एग्जाम के बाद कब आईसीआर का एग्जाम होगा, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जून के फर्स्ट वीक, सॉरी अप्रैल के मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक के बीच में आ सकता है, ठीक है। उससे पहले भी आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी एग्जाम्स के लिए टाइम जो मिलेगा आपको वो 2 मंथ का ही मिलेगा, मतलब 1 या 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट ने अच्छे से स्टडी करना चालू नहीं किया है, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, तो नीट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, उसके बेसिस पे आप आईसीआर दोगे तो अपने आप आपका आईसीआर का जो है स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, यहाँ अपने आप बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा लीजिए, मेरे बुक्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका अच्छे से अच्छा कॉलेज है, जिससे कि आप अपने बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, जैसे कि आप जीपी पंत है, बीएचयू है, बेस्ट कॉलेज में अपना बेस्ट कोर्सेज के साथ अपना डिग्री कंप्लीट करो। तो थैंक यू डियर्स, आज इस वीडियो में जो अपडेट आपको दी है वो अपडेट आप अच्छे से पूरी वीडियो में देखे होंगे। जिसके किसी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम्स या समझ में नहीं आता है वो कॉमेंट बॉक्स में हमें डिस्कस करके पूछ सकता है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जल्दी कोशिश करेंगे। और जो भी आगे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आपको उसके बारे में अपडेट है वो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको दे दी जाए, ठीक है। तो हमने बात कर ली आपकी जो है फॉर्म के बारे में, आपका एग्जाम्स के बारे में, 2021 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और एक बुक के बारे में बात की जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से होंगे, ठीक है। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे किसी के लिए भी आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे एम्स के स्टूडेंट हो, किसी भी जो हर एग्जाम्स में आपका 11th 12th का सिलेबस पूछा जाता है, तो हर क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जल्दी आपको 1-2 दिन में आपको चैनल पर दिख जाएगा, वो आप वहां से मिनिमम प्राइस में जो है खरीद के मिनिमम प्राइस में करके आप अपना स्कोर है उससे उस बुक को सोल्व करने के बाद बेस्ट से बेस्ट स्कोर करें, ठीक है, जिससे आप अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्सेज के साथ अपना डिग्री कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको आएगा तो जरूर चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। मेरे को आप पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को डी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स है आईसीआर 2022 के सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।